नमस्कार, एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मण राणा। चमोली से बड़ी खबर के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने आज भराड़ीसैंण पहुंचकर बजट सत्र की तैयारियों को लेकर नियुक्त किए गए सभी नोडल और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने विधानसभा परिसर सहित हेलीपैड और बैरिकेटिंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। चमोली के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस दौरान चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित कर्णप्रयाग नंदानगर में भी कांग्रेसियों ने खाली गैस सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया। तीसरी खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर अब जोशीमठ के युवा जोशीमठ को बचाने के आह्वान के साथ आगे आ रहे हैं। युवाओं ने सेव जोशीमठ की थीम को लेकर जोशीमठ से देहरादून तक पदयात्रा शुरू की है। यात्रा में जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के 9 वार्डों से 9 युवा शामिल हैं। यात्रा में शामिल युवाओं ने बताया कि आज रात्रि विश्राम उनका पीपलकोटी में होगा। कुल 13 पड़ावों को पार करने के बाद युवा 14 मार्च को देहरादून स्थित गांधी पार्क में यात्रा का समापन करेंगे। चौथी खबर चमोली के पोखरी विकासखंड से है, जहां पोखरी विकासखंड के ब्लॉक सभागार में भूतपूर्व सैनिकों को आपदा प्रबंधन के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों को एसडीआरएफ के द्वारा भूकंप, भूधसाव, भूस्खलन सहित आपदा में त्वरित राहत बचाव कार्य और रेस्क्यू का भी प्रशिक्षण दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।